अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो ब्रांच अकाउंट था वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गए थे, जब मैंने आपको क्वेश्चन 6 करवाने थे। ठीक है, बाकी के हैं जो वो नेक्स्ट जब हम रिवाइज़ करेंगे ना तो तब कर लेंगे। अभी जो आपका है ना, हम शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, कंपनी फाइनल अकाउंट। इससे पहले आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ये कंपनी के रिलेटेड होगा। ठीक है, अभी फाइनल अकाउंट के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और लास्ट पे आपकी आती है बैलेंस शीट। ठीक है, सम टाइम हमें जो है ना एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। एक और अकाउंट इसमें होता है रिटेन इनकम का। ठीक है, देखें कंपनी फाइनल अकाउंट जो होता है ये साल के लास्ट पे बनाया जाता है, और इसका मकसद होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना। ठीक है, अभी जितने भी रिजर्व जो होते हैं ना आपके, इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स भी दी जाती हैं, डेप्रिसिएशंस की और बैड डेब्ट्स पे जो रिज़र्व लेना है, इस तरह की जो होती हैं। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं। ठीक है, इस तरह की जो एडजस्टमेंट है इसमें काफ़ी आती हैं। ठीक है, तो इसके नॉर्मल होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसमें जस्ट हम अपनी ट्रेड देखते हैं, वो चीज़ें जो वो मैटर डिस्कस करते हैं जिनका तल्लुक हमारा डायरेक्ट ट्रेड से है। ठीक है, और जो हमारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वो चीज़ें होती हैं जिनका तल्लुक इनडायरेक्ट होता है आपकी ट्रेड के साथ। ठीक है, और जो चीज़ें आपकी रिटेन इनकम में आती हैं इसमें हम जस्ट इतना तय करते हैं कि जैसे आप बोनस इशू करते थे, इस तरह यहाँ पे हम इशू करते हैं, हम कितने शेयर, कितना डिविडेंड इशू करेंगे। ठीक है, डिविडेंड यानी कि वो प्रॉफिट जो कंपनियाँ शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ठीक है, हम एक एग्जांपल से इसे जानेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल ये है कि मैं फर्ज कर लें कपड़ों का कारोबार करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 10 सूट्स मैं लेके आता हूँ। ठीक है, किधर से, लाहौर से। ठीक है, और वहाँ से मुझे एक ही कास्ट मिल रही है 500। ठीक है, पर, और यहाँ आके उनकी जो सेल प्राइस है वो हो जाएगी 1000। ठीक है, मतलब कि अगर मैं 10 सूट वहाँ से लेके आता हूँ तो वो मुझे 5000 के मिलेंगे कास्ट पे, और 10,000, 10,000 के वो सेल होंगे, और मुझे प्रॉफिट कितना होगा इस पे, 5,000, 5,000 का मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, कि मैं लाहौर से 10 सूट जो है कपड़ों के वो लेके आऊँगा। ठीक है, 500 का एक मुझे पड़ेगा और मैं उसे सेल करूँगा 1,000 रुपये का। ठीक है, इस तरह 5,000 के अगर मैं उन्हें परचेज करके लेके आऊँ तो 10,000 के वो सेल होंगे और मुझे 5,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा इस पे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा मेन आइडिया। ठीक है, अभी इसमें 5,000 जो मेरा, ठीक है, ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट में से मैं लेस करूँगा मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, या जो कैरेजिन है, ठीक है, वो कपड़ों को लेके आने के अखराजात जो हैं, या इसमें हमें
ऐड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक को, बाद में लेस करूंगा ओपनिंग स्टॉक को, ठीक है। इस तरह ये चीज़ें मैं इसमें मज़ीद आएंगी, ठीक है। ये तो होगा मेरा मेन आइडिया, ठीक है। अभी ऐसा होगा कि ये चीज़ें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कि बगैर इन परचेजेस के, कैरेज के बगैर जो है, मैं ना तो सामान लेके आ सकता हूँ और ना ही ये सेल हो, अगर सेल नहीं होगा तो मुझे इससे इनकम नहीं हासिल होगी, ठीक है। ये मेरा मेन आइडिया है। अगर यहाँ पे किसी किस्म का भी मुझे नुकसान होता है या ग्रॉस लॉस यहाँ पे अगर आता है, तो इससे मुराद है कि मेरा जो आइडिया है वो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो बाद में आती है इनडायरेक्ट की बात। इनडायरेक्ट में वो एक्सपेंसेस आते हैं कि जो होते तो वो भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन इनको कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन जी जो आपके मेन आइडिया के अखराजात हैं या जो आपकी इनकम है, इससे आप कम ज़्यादा इतनी आसानी से नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से होते हैं, लाइक आपकी शॉप का रेंट, ठीक है, सैलरीज जो आप पे कर रहे हैं, ठीक है, लाइटिंग के जो आपके अखराजात हैं, इस तरह के जितने भी आपके अखराजात होते हैं वो सब इसी में ही आते हैं। जैसे आपका डिस्काउंट है, ठीक है, इस तरह के जितने भी अखराजात होते हैं वो इधर आते हैं। ये वो अखराजात हैं जिनको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये मेरे जो आइडिया, ये इनडायरेक्ट इसके मुताबिक रिलेटेड है। मेन आइडिया जो है वो मेरा रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट के, जो इनडायरेक्ट है ये रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस के, और रिटेन इनकम जो आमदनी इससे मैं कमाऊंगा उसमें से कितनी मैं अपने पास रखूंगा और कितनी शेयर होल्डर्स को इशू करूंगा वो रिटेन इनकम में आएगा, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारी बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, कस्टमर वन का, और सबसे पहले उसे रीड करेंगे और उसके बाद हम उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसकी भी होती है, ये होती है एक्सपेंसेस साइड, ठीक है, रुपीस, और ये इसकी होती है इनकम साइड, ठीक है। जो आपका फाइनल काउंट है ये शुरू हो रहा है आपके बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो कंपनी के बारे में बता रहा है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल है 5 लाख रुपये, 5,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है। तो ये जस्ट ऑथराइज जो कैपिटल, जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, ये जस्ट शो करना, ठीक है। अब मेन चीज़ होती है कि कितना सब्सक्राइब्ड है। इसमें से 2,500 रुपया आपका फुली कॉल्ड, आपका मतलब है कि ये 2,500 आपने इशू किया और इस पे शेयर्स के जो है आवाम ने खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है। तो ये तो आपका आएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आपका वो कह रहा है स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स कहीं है उसने, परचेजेस कहीं है, वेजेस, वेजेस क्या है, प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलोड और डिस्काउंट रिसीव्ड। इंश्योरेंस के बारे में कह रहा है, यहाँ पे भी वो वही बात कह रहा है कि इंश्योरेंस पे की गई है अप टू 31 मार्च तक, ठीक है। तो हम अकाउंट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तो 3 महीनों की यहाँ पे भी एडवांस है, ठीक है। सैलरीज के बारे में वो बता रहा है, रेंट के बारे में वो बता रहा है, जनरल एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस वो जो लास्ट ईयर है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अखराजात बता रहा है, एडवर्टाइजमेंट के अखराजात बता रहा है हमें, वो डेप्टर्स क्रेडिटर बता रहा है, ये भी आएंगे आपके बैलेंस शीट में। प्लांट एंड फर्नीचर्स के बारे में बता रहा है, कैश, जनरल रिजर्व और लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हमने कर्जा लिया हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर से, और बैड डेट्स, ऐसे बंदे जो हमें पैसे नहीं देते, वो कह रहा है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, और कह रहा है कि 15% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है प्लांट एंड फर्नीचर पे, 15% है हमारी प्लांट पे और 10% है फर्नीचर पे, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज से मुराद है अभी हमने पे करनी है वेजेस का भी 5,200 रुपया हमने अदा करना है, 1,200 रुपया सैलरीज का, और रेंट का हमने 600 रुपया अदा करना है, ठीक है। तो आपकी बुक का जो पेज नंबर है,
ठीक है, मैंने अभी चेक किया आपकी बुक पे, उसने नहीं बताया होगा। वैसे नॉर्मली बुक पे होता है डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया गया। वो मैं दूसरी बुक से पिक्चर लेके आपको सेंड कर दूंगा, जिसपे आपके तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं दर्ज होंगे, ठीक है, जो नॉर्मली आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, ये एक एक्सपेंस साइड आएगा। ठीक है, ₹50,000। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आएगी सेल, सेल कितनी है, 4,25,000। ठीक है, बाय सेल। नेक्स्ट हमारे यहाँ आएंगी परचेजेस, ठीक है, और परचेजेस में से अगर कोई रिटर्न हो तो वो हमने लेस करनी होती है। तो यहाँ पे रिटर्न नहीं गई दी गई तो हम टोटल परचेजिंग लाएंगे। ठीक है, परचेजिंग है 3 लाख। आगे आएंगे वेजेस, ठीक है, जो आपके वेजेस होते हैं वो आपके आते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और जो होते हैं आपके सैलरीज वगैरह, ये आपकी आती हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि वेजेस रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, मैंने आपको बताया था। और सैलरीज रिलेटेड किस चीज़ के होते हैं, मैनेजमेंट के ज़्यादातर। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वेजेस आते हैं। ठीक है, तो वेजेस कितने हैं, 70,000। ठीक है, 70,000 के। नेक्स्ट आपका और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है यहाँ पे, मेरे ख्याल में कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा, उस पे तमाम इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दर्ज होते हैं। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारा, वो इनकम साइड आएगा। ठीक है, ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 91,000। ठीक है, तो अभी हम ऐड करेंगे अपनी तमाम इनकम को, 5,16,500। ठीक है, अभी इसमें से लेस करेंगे तमाम एक्सपेंसेस, सॉरी, एक चीज़ हमारी जो है वो लेस करना रह गई है, वो कौन सी है, वो है ये वेजेस, ये जो वेजेस है ना, 5,252 रुपये के। ठीक है, ये अभी हमने अदा करने हैं। ठीक है, वेजेस जो अदा शुदा हैं वो कितने हैं, 70,000 के। ठीक है, और जो भी स्टिल ड्यू हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 5,200 रुपये के। तो ये हो जाएंगे आपके 75,000 200 के। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो आपके आउटस्टैंडिंग अभी अदा करने वाले अखराजात हैं उनमें वेजेस हैं। ठीक है, 70,000 तो हमारे ये थे प्रोडक्टिव, 200 अभी हमने पे करने, 5,200 पे करने थे, तो वो यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो मज़ीद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 91,300। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जिसका जो रिलेटेड है हमारे मैन आइडिया से। अभी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
इसकी भी ये साइड इनकम साइड होती है, और दूसरी साइड जो होती है वो होती है एक्सपेंस साइड। ठीक है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और नॉर्मली तो वैसे एक्सपेंस और इनकम ही लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी इनकम इसकी क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट, बुराए ग्रॉस प्रॉफिट, मैं हाल ही जीपी लिखने लगा हूँ। ठीक है, वो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें लास्ट अकाउंट से हुआ है कितना? 91,300। अभी चेक करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन से हैं। सबसे पहला है डिस्काउंट अलोड। ठीक है, जो हम डिस्काउंट देते हैं, जब डिस्काउंट देते हैं तो हमारा खर्चा होता है, और जब डिस्काउंट लेते हैं तो तब हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो टू डिस्काउंट डेबिट साइड आएगा, ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव, ये वाला। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव है जो, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ये कितना? 3,150। नेक्स्ट हमारा कौन सा एक्सपेंस है? नेक्स्ट है इंश्योरेंस का। ठीक है, तो इंश्योरेंस हमने पे की है 31 मार्च तक। ठीक है, 12 महीनों की होती है, तो हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 3 महीनों की ये भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे भी। कितनी पे की है? 6,720। और ये है 12 मंथ्स की, हमारे जो अकाउंट रिलेटेड है वो कितनी है? 9 मंथ की। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे 12 से, तो 5,040 जो है वो हमारे रिलेटेड है। ठीक है, टू इंश्योरेंस। पांच हजार चालीस और जो बाकी रह जाएगी वो हो जाएगी हमारी प्रीपेड, यानी कि ऐसी इंश्योरेंस जो हमने हम अगले साल की अदा कर दी है, और ये हमारा एसेट होता है। ठीक है, क्योंकि अभी उससे फायदा उठाना है हमने। ये हमारी एसेट बन जाए जो प्रीपेड है, जो हमने पहले अदा कर दी है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है सैलरीज, 18,500, और इस पे अभी हमने 1,200 रुपया सैलरीज का अदा करना है। ठीक है, टू सैलरीज। अठारह हजार पाँच सौ इसकी वैल्यू है, और इसमें ऐड करेंगे जो भी हमने पे करनी है। ठीक है, स्टिल ल्यू है जो, बारह सौ टोटल हो जाएंगी 19,700। नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा कौन सा है? नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा रेंट, 6,000, और अभी 600 रुपया हमने अदा करना है। ठीक है, टू रेंट 6,000, और स्टिल ड्यू कितना है?
600, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6,600। नेक्स्ट हमारा जनरल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये हैं 8,950, इन पे किसी किस्म के एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये इसी तरह ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारे कौन से अखराजात हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के, ठीक है, 2,400 रुपया। मैं हाली प्रिंटिंग लिखने लगूँ यहाँ पे, ठीक है, 2,400 रुपया। नेक्स्ट हमारे एडवर्टाइजमेंट के अखराजात हैं 14,300। नेक्स्ट हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स, ठीक है, ऐसे बंदे जो हमें पैसे नहीं देते, ये भी आएंगे, ठीक है, 2 बैड डेट्स। इनकी वैल्यू कितनी है, 3,200। नेक्स्ट हमारी लास्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं डेप्रिसिएशन के, ठीक है, किस तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन का क्या कहा हुआ है हमें कि डेप्रिसिएशन लेनी है हमने प्लांट पे 15%, और 10% किस पे लेनी है, फर्नीचर पे। तो सबसे पहले प्लांट पे लेंगे 15%, प्लांट की वैल्यू है 80,500, तो इस पे लेनी है हमने 15%, तो ये आ गई 12,075 रुपये, ठीक है। प्लांट पे, ठीक है, 12,075 रुपये, और 10% हमने लेनी है फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू क्या है, फर्नीचर की वैल्यू है 17,100, तो 10% इस पे लेनी है, 17,100, 17,010 आपकी, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे अभी, ठीक है, ये टोटल आपका आ गया 13,585, ठीक है।
और इसके अलावा नेक्स्ट कोई भी एक्सपेंस आपका नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट। तो हम अभी टोटल करेंगे, सबसे पहले इनकम साइड टोटल करेंगे, ये आ गई है हमारी 94,450। अब भी इसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 16,275 रुपये, ठीक है। तो इसकी जो बैलेंस शीट है क्वेश्चन नंबर 1, 3 की, ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर सेंड करूंगा उसमें बना के सेंड करूंगा, ठीक है, और मैं लिस्ट भी आपकी आपको उसके साथ सेंड करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ठीक है, ओके।